अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हर एक देश के पास में कई तरह की मिसाइल्स होती हैं। अटैक करने के लिए जनरली दो टाइप्स की मिसाइल यूज की जाती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है, मतलब कि ये मिसाइल्स बहुत ज्यादा हैवी होती है और एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद में इनमें कोई भी अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। इनकी मदद से कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक ही बार में लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह की मिसाइल्स की रेंज क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती है। इंडिया के पास में पृथ्वी अग्नि प्रलय जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज से लेकर के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि इंडिया ने ही डेवलप की है। क्रूज मिसाइल का यूज बैलिस्टिक से बिल्कुल अलग होता है और इस तरह के मिसाइल्स में कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव भी लगाए जाते हैं। इनके अलावा इनकी रेंज बैलिस्टिक से काफी कम होती है, पर टारगेट के हिसाब से अपने पाथ को चेंज कर सकती है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स बिल्कुल नहीं कर सकती। इंडिया और रशिया के द्वारा डेवलप की गई ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल्स में से एक है।